2023 मैंने किया सीन ग्रो, हिट लाया असली, सारे बोले डोग, चेंज लाया असली, तेरे गाने फ्लॉप, करने हैं शोज, पढ़ना है नोटों से बैग, बाबर है साथ तो करना है फ्लेक्स, प्राउड पाकी रैपर, देना है बेस्ट, यू नो आई एम ब्लेस्ड। सो वेलकम बैक टू रिएक्शन वीडियो गाइस, मैं असली प्यार पाकिस्तानी रैपर, तो आज हम रिएक्शन करने वाले हैं यंग गालिब के गाने पे प्राइसलेस। अभी अभी गाना आया थोड़ी देर पहले, तो मैंने कहा क्यों ना हम ऑन द स्पॉट इस पे रिएक्शन करें। गाने को प्रोड किया है रीफिक्स ने और बंटे रिकॉर्ड्स में गाना आया है। सो अभी ऑन द स्पॉट रिएक्शन करते हैं, टाइम नहीं लेते, जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप चैनल पर नए और मेरा म्यूजिक सुना तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, और थैंक यू सो मच, लव यू हो गया जो जो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करते हैं डेली वीडियोस पे, थैंक यू सो मच गाइस। बीफ के बाद मेरा ख्याल है अब यंग गालिब का गाना आया, एक कोलैबोरेशन आई थी एमवीए के साथ और बीफ जो कर्मा के साथ बीफ चली थी यंग गालिब की, उसके बाद अब गाना आया सोलो में यंग गालिब का, तो लेट्स सी गाना कैसा है और कैसा रहता है। स्लो ओके थोड़ा वाइबी सॉन्ग लग रहा है, मुझे लगता है ऑटो ट्यून में कुछ होगा। हाथों में घड़ी है प्राइसलेस, वो दिया है भाई ने। कौन से भाई ने, बंटाई ने दिया या असल वाले भाई ने दिया? ब्रो मुझे तो लगता है बंटाई ने गिफ्ट की होगी। प्राइसलेस ब्रो, प्राइसलेस। मैं कुछ ज्यादा क्राइम में, पहले मैं करता था क्लब होगी लाइन में, ओके वो भी क्या टाइम दे, अब जिधर गड़ू मैं उधर पे लाइन दे। या ब्रो यंग गालिब यार, वर्सिटैलिटी बहुत ज्यादा है यंग गालिब में। लाइक आप देखेंगे ऑटो ट्यून गाने, वाइबी सॉन्ग कितने प्यारे निभाता है यार गाने। मैंने सबसे पहले सुना ही एमवीए के साथ इसका गाना आया था, कोई बहुत प्यारा दोनों की फीचरिंग थी यंग गालिब की एमवीए के साथ, और क्या वो खूबसूरत गाना था, पता नहीं गजल क्या नाम था गाने का, डोंट नो, बट बहुत खूबसूरत गाना था। वहां से मैंने यंग गालिब को सुना था, मैंने कहा यार ये बंदा लेवल है। बट जब बीफ स्टार्ट हुई ना इसकी कर्मा के साथ, मैंने कहा ये तो अलग जोन में है, ये एमवीए वाला सीन है ब्रो, के मतलब बीफ हुई है तो ब्रो चीर फाड़ दूंगा तुझे। अगर वाइब में जोन में जाने वाला टाइम है तो ब्रो इज गोना आल्सो किल। हाथों में घड़ी है मेरे वो प्राइसलेस, वो दिया है भाई ने, एरिया से निकला तो बदला ये माइंडसेट, मैं कुछ ज्यादा क्राइम में, पहले मैं करता था क्लब होगी लाइन में, वो भी क्या टाइम दे, अब जिधर खड़ू मैं उधर पे लाइन देख, बहुत प्यारा ऑटो ट्यून मैनेज किया गया, बहुत खूबसूरत लग रहा है सॉन्ग जो है भाई, बहुत प्यारी आ रही है, कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि यार मतलब कुछ करने की कोशिश की गई है, खूबसूरत लग रहा है। और वीडियो सिर्फ मुझे लगता है कि इंडोर ही यही ये वाला टेक्स है, बस थोड़ा जूम इन जूम आउट वाला सीन। नहीं आता कॉल पर बिजनेस की बात, लैपी लेके स्टारबक्स वेला नहीं बैठू मैं, चाय के स्टॉल पर लाइफ की रेस को जीता मैं ब्रो, वेला नहीं बैठूं चाय के स्टॉल पर। लाइक बॉयज होते हैं ना, जब ब्रो आ चले यहाँ चाय पीने चले, तो उधर घंटों गुजार देते हैं, फजूल टाइम वेस्ट कर देते हैं, बट वो कह रहा मैं वेला नहीं बैठा। दौड़ कर छोड़ा पड़ा ये दिल, बोला कुछ और कर आएगा वक्त, तो टाइम पे गौर कर जी रहा मैं लाइफ जो लाइफ नहीं। यार ये बहुत मतलब हेल्दी है यार यंग गालिब, मुझे लगा था लाइक ठीक है अच्छा मतलब होगा बॉडी इसका मतलब, बट हेल्दी है यंग गालिब फील हो रहा है ब्रो, थोड़ी स्टेट बैंड पहननी चाहिए थी यहाँ पे। नॉर्मल ताने सुने मैंने रिश्तेदार के बीच, बाजार में कुछ नहीं करेगा लाइफ में तू, अभी उनके बच्चे काम पे जिस पगार पे, उतने के भाई में लेता शूज, अभी मुझे काम पे रहता तू, अभी मुझे भाई के कैसा तू, पहले ऐसे चश्मे को देख, अभी बोले भाई के दिखाई नहीं देता तू, पहले ऐसे चश्मे को देख, अभी बोले पहले ऐसे चश्मे को देख, अब ये दिखाई नहीं देता, कैसे दिखाई नहीं देता तू ब्रो, यार अब तो हसल वाला सीन मतलब लाइक उस तरह से खत्म हो गया, अब तो मतलब ऊपर जाने वाला सीन है, लाइक अच्छा ग्रो कर रहा है यंग गालिब इस टाइम, बहुत अच्छा। सबको है पता मैं फियरलेस, जितना गुनाह किए पास में उससे ज्यादा वो दिया है भाई ने, एरिया से निकला तो बदला ये माइंडसेट, ओए मैं कुछ ज्यादा क्राइम में, पहले मैं करता था क्लब होगी लाइन में। यार ये गाना ऐसा यकीन करें, अगर आप स्टूडियो में बैठे हैं ना किसी, और मतलब आप चिल रिलैक्स मोड में बैठे हैं और ये गाना पीछे चल रहा हो, ये गाना बहुत वाइब करवाने वाला गाना है, अगर स्टूडियो में आप बैठ के गाना सुने लिटरली। वो भी क्या टाइम दे, अब जिधर खड़ू मैं उधर पे लाइन देख, मैं जी रहा लाइफ पे, हाथों में घड़ी है मेरे
वो प्राइसलेस। हुक बहुत प्यारा गाने का और रिफिक्स ने जो बीट प्रोड्यूस किया, बहुत प्यारे ड्रम्स मैंने जो है और जो पीछे हल्का सैंपल जा रहा है इतना प्यारा सा लग रहा है वो बांसुरी टाइप का कुछ। ओ हो भाई ने एरिया से निकला तो बदला ये माइंडसेट, मैं कुछ ज्यादा क्राइम में पहले मैं खड़ा था क्लब की लाइन में। ओके वो भी या टाइम दे, अब जिधर खड़ू मैं उधर पे लाइन देख। ओके लेट्स गो जीरे ला लाइफ पे बेचा मैं डायमंड गले में है गोल्ड व्हेन आई एम इन द बूथ आई एम आउट ऑफ कंट्रोल जिंदगी मूवी पर। बहुत प्यारा टेक्सचर आया यार यहां पे, बहुत प्यारा टेक्सचर। बेचा मैं डायमंड गले में है गोल्ड व्हेन आई एम इन द बूथ आई एम आउट ऑफ कंट्रोल आई एम डायमंड और गले में है गोल्ड जिंदगी मूवी पर दुनिया नहीं गोल शूटर है काफी मैं करता नहीं रोल कैमरा एक्शन लेट मी शो यू क्या होता परफेक्शन लेदर हिट्स की लेदर नहीं टेंशन बड़े सपने हैं सपनों में मेंशन। ओ बड़े सपने हैं सपनों में मेंशन ब्रो। गाने मेरे जैसे रॉयल्टीज तेरे गाने जैसे पेंशन तू जैसे चार्ली की एक्स ए तुझे बस चाहिए अटेंशन। कभी नहीं सोचा मैं हाइप का कभी नहीं रखा मैं बैड इंटेंशन। यार हाइप तो बहुत मिल गया गालिब को, बहुत बहुत हाइप। अगर आप एमी बे के साथ आ गए हो और हाइप आपको ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता ब्रो। अगर एमी बे किसी को डिस करता है उसको हाइप मिल जाती है, जो एमी बे का अपना आर्टिस्ट है उसको क्यों ना हाइप मिले। बट इसने निभाया है। आप कहते हैं ना कि यार एक बंदे को एमी बे ने अगर हाइप दिया ना तो उसमें वर्थ ही है बंदा, इसीलिए हाइप मिली है ब्रो। नहीं लगता बुरा मेरा जब तक ना करता मैं एक्स को मेंशन। ओके जितना दिया मेरी एक्स पे ध्यान मैं उतना नहीं दिया हूं काम पे। ओके काम मैं इतना कि जितना मैं मतलब ध्यान दिया हूं उस पे उतना काम पे नहीं दिया। हुआ तो जाऊंगा चांद पे। वैसे सही बात है यार, इतना टाइम आपने अपने काम पे दिया हो ना, अपने अपनी अपने प्रोफेशन पे दिया हो, जो चीज का आपको शौक हो उस पे टाइम इतना दिया हो ना, तो आप कहीं ना कहीं सेटल हो जाते हो। ऊपर मैं जा रहा हूं उड़ान दे जीते जी ले रहा है नाम मैं। यू गॉट टू फूड मी बिच बढ़ता हुआ मेरा हाथों में घड़ी है मेरे वो प्राइसलेस। ओके आए भाई ने एरिया से निकला तो हाथों में घड़ी है मेरे प्राइसलेस, पीछे में जो एलडी बना आइस आइस। ओहो नेक्स्ट लेवल। हाथों में घड़ी है मेरे वो प्राइसलेस वो दिया okay. है भाई ने एरिया से निकला तो बदला ये माइंडसेट मैं कुछ ज्यादा क्राइम में पहले मैं खड़ता था क्लबों की लाइन में। ओके वो भी का टाइम दे अब जिधर खड़ू मैं उधर पे लाइन देख देख मैं जी रहा लाइफ पे हाथों में घड़ी है मेरे वो प्राइसलेस। यार बीट बहुत प्यारी भाई, वो जो पीछे वो बांसुरी वाला सैंपल चल रहा है ना जो चल रही है चीज और जो ड्रम्स आ रहे हैं वाइब आ रही है। वो दिया है भाई ने एरिया से निकला तो बदला ये माइंडसेट मैं कुछ ज्यादा क्राइम में पहले मैं खड़ता था क्लबों की लाइन में। लाइन में वो भी क्या टाइम दे अब जिधर खड़ू मैं उधर पे लाइन दे मैं जी रहा ला लाइफ पे। ये यार क्या बीट है यार। ओके सो गाइस बीट बहुत प्यारी यार, रिफिक्स लव यू हो गया ब्रो, बहुत प्यारी बीट बनाई है, मजा आ गया। और उस बीट पे गालिब ने इतना प्यारा सॉन्ग निभा दिया यार, मजा ही आ गया गाने को सुन के। लाइक एक आप कहते हैं मूड फ्रेश हो जाता है, आपका मूड अच्छा हो जाता है गाना सुन के ना, ये वो वाला गाना है यकीन करने लिटरली गाइस। बहुत अच्छा लगा गाने में थोड़ा सा लाइक फ्लैक्स के मतलब हाथों में घड़ियां प्राइस लेस, और अब शोज पे जाता हूँ क्लबों में जाता हूँ तो पहले लाइन में लगता था, अब मेरे लिए लाइनें लगी होती हैं ब्रो। और थोड़ी अपनी लाइफ स्टोरी बताते हुए कि मैं इस तरह मतलब स्ट्रगल कर रहा हूँ ये वो सारा कुछ, और अब मतलब अब सीन हाइप बढ़ गई है तो अब दाम महंगे हो गए हैं। सो अच्छा गाना, बहुत अच्छा गाना, मुझे बहुत अच्छा गाना लगा। यंग गालिब यार बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, आप कह सकते हैं कि अगर यंग गालिब का कोई गाना आए ना, और आप ऐसे नहीं कहेंगे कि यार ठीक है बस, ऐसे नहीं है, क्योंकि मैंने अभी तक जितने यंग गालिब के गाने सुना ब्रो मजा आया। खासतौर पे बीफ के बाद से कर्मा की जो बीफ पे गाने आए थे ना ब्रो, वो गाने सुन के तो मैंने कहा था यार ये बंदा नेक्स्ट लेवल है। सो बहुत अच्छा काम कर रहा है यंग गालिब यार, इसी तरह काम करते रहो। बंटाई रैकेट के साथ मजा आया, आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना है मुझे, और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप अभी तक आपने नहीं किया हुआ, क्योंकि बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ, आप सबकी सबसे लव यू हो गया। मेरा म्यूजिक सुना तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर जरूर सुने और फीडबैक भी जरूर देना है। थैंक यू सो मच, रिएक्शन वीडियो खत्म करते हैं, किसी अगली रिएक्शन वीडियो में मिलेंगे, लव यू प्लीज बाय। ओके ब्रो यार म्यूजिक रिकमेंड करते रहा करो यार कमेंट्स में मुझे, ताकि हम जरा रिएक्शन करते रहे इंडियन हिप हॉप सॉन्ग्स पे। मुझे कमेंट में जरूर रिकमेंड करते रहा करो गाने। अभी मैंने एमी वे के गानों पे मैं रिएक्शन कर रहा हूँ, ये इधर अभी भी आ रहा है गाना पाकिस्तानी रैपर रिएक्ट्स टू एमिनेम बंटाई ट्रिब्यूट टू एमिनेम पे, अच्छा रिस्पॉन्स आया। सो इस पर कमेंट आया कि कौन सी कोई थी एमी वे बंटाई की ईपी थी कि मिक्स टेप थी कोई, वो कमेंट आया कि ब्रो उस पर नो ब्रांड ईपी,
नो ब्रांड्स ईपी पे हम रिएक्शन करेंगे, देखते हैं कैसी रहेगी ईपी। मेरे जहन में नहीं है बिल्कुल भी अभी की नो ब्रांड्स को कौन सी ईपी आई थी हमने की, उस पर करेंगे रिएक्शन नेक्स्ट, जरूर करेंगे। हम रिएक्शन खत्म कर चुके हैं ब्रो, अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो लव यू हो गया ब्रो, लव यू गैंग शिट। 2023 मैंने किया सीन ग्रो, हिट लाया असली, सारे बोले डोप, चेंज लाया असली, तेरे गाने फ्लो, करने हैं शोज, पढ़ना है नोटों से बैग, बाबर है साथ तो करना है फ्लेक्स, रोड पर की रैपर, देना है बेस्ट, यू नो आई एम ब्लेस्ड।